हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी पर। और दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एनटीटी सीटी नर्सरी और डीपी एड की जो आपके ऑनलाइन फॉर्म आए हैं उसके बारे में। पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट कैसे बनती है और कितनी जाती है, कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है ये कोर्स करने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो फॉर्म के बारे में यदि बात की जाए तो फॉर्म आपका 5 अक्टूबर 2019 से आपका ऑनलाइन आवेदन आ चुका है, आप इसे भर सकते हैं। यूपी एनटीटी सीटी टीचर्स और डीप पैड के लिए आपका होता है। एनटीटी में यदि बात की जाए तो नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग्स आपका होता है, ये कोर्स आपका 2 वर्षीय होता है। साथ ही साथ चाइल्ड टीचिंग नर्सरी के बारे में यदि बात की जाए तो ये भी कोर्स आपका 2 वर्षीय होता है। और डी पैड भी आपका जो डिप्लोमा होता है फिजिकल एजुकेशन में, वो भी 2 वर्षीय होता है। तो 2 इयर्स कोर्स के लिए आप यहाँ पर जो है 5 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 3 नवंबर 2019 है, जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पर घोषित की गई है। इसमें क्या है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज है वो 50% मिनिमम होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपकी 50% होनी चाहिए। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उन लोगों को छूट दी गई है, उनके लिए 45% भी यहाँ पर जो है योग्य माने जाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको जो है 3 तरीके के सर्टिफिकेट लगाने होते हैं आपको, 10th की मार्कशीट, 12th की और ग्रेजुएशन की। तो यहाँ पर आपकी तीनों सर्टिफिकेट जब लग जाते हैं, इनकी तीनों की मार्कशीट आपको आवेदन फॉर्म में फिल करनी होगी। यदि एग्ज़ाम फीस की बात की जाए कि इसके लिए जो आपकी फ़ीस कितनी ली जा रही है, वो 400 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 200 रुपये है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 से 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, और ये जो उम्र है ये आपकी जो है 1 जुलाई 2019 को होनी चाहिए। 1 जुलाई 2019 तक आपकी उम्र जो है 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसमें जो प्राइवेसी दी गई है वो महिला कैंडिडेट को दी गई है। तो यहाँ पर आपके लिए टीचर बनने के लिए जो है महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका होता है एनटीटी हो, सीटी हो या डीपैड हो, इसमें आपको जो है सीटेट या यूपी टेट नहीं करना होता है। और इसके लिए आपकी जो है अलग से वैकेंसी निकलती हैं, तो उसके लिए आपका काफ़ी आसान हो जाता है सिलेक्शन होना। तो यहाँ पर यदि और मैं आपको जानकारी दूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से आपका होगा, किस प्रकार से आपका एडमिशन होगा, तो इसमें जो है आपकी मेरिट बनती है। और मेरिट किस प्रकार से बनेगी वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी जिस तरीके से DLED अर्थात BTC में आपकी जो कट ऑफ बनी थी, ठीक उसी प्रकार से आपकी कट ऑफ बनती है। तो मेरिट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि मेरिट में आपके जो है 10th के मार्क्स आपके होते हैं और 12th के होते हैं और आपके UG के, जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कि आपने BA किया है, BSc किया है या BCom किया है, जो भी ग्रेजुएशन में आपने किया है वो मिनिमम 3 वर्षीय ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। तो उसके मार्क्स आपके जुड़ जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए 10th में आपके 70% है, 12th में आपके 65% है, ग्रेजुएशन में आपके 60% है, तो टोटल ओवरऑल जो है ऐड करने के बाद आपकी एक कट ऑफ बनेगी, जो बनती है आपकी जैसे 195 आपके टोटल मार्क्स माने जाएंगे आउट ऑफ 300 में से आपके जो मार्क्स हैं वो 195 इस तरीके से माने जाएंगे। तो जो भी आपकी परसेंटेज होगी उसी के बेसिस पर आपकी जो है मेरिट बनती है। यदि मेरिट की बात की जाए तो मेरिट जो है डिफरेंट रहती है, NTT के लिए अलग, CT के लिए अलग और DPAD के लिए अलग। CT के लिए जो है केवल 2 ही कॉलेज हैं, एक आपका प्रयागराज में है और एक आगरा में है। NTT के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉलेज हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें सीटें भी हैं, तो NTT भी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है यहाँ पर यदि कोर्स ऑफर्स की बात की जाए। और CTT और DPAD के लिए अलग से वैकेंसी निकलती हैं।
नर्सिंग टीचिंग के लिए। ये भी वैकेंसी आपकी जो है समय समय पर आयोग जो है विज्ञापन देता रहता है, और इसका लाभ यही है कि आपके जो नर्सरी टीचर हैं वो आप इसमें आसानी से बन सकते हैं। नर्सरी टीचर बनने के लिए आपको जो है बीएड या बीटीसी वाले कैंडिडेट को नहीं लिया जाता है, एनटीटी और सीटी कैंडिडेट को ही लिया जाता है। तो इसके लिए जो है अलग से वैकेंसी निकलती है। लाभ यही है कि इसकी कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाती है, इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है जो आपकी अन्य भर्ती होती हैं पीआरटी और जूनियर के लिए, या आपकी जो टीजीटी पीजीटी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा आसान ये रहता है। तो इसमें फ़ायदा यही है कोर्सेज करने का। बाकी आप नोटिफिकेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ इसके कॉलेज हैं, कितनी इसकी सीट है और कौन इसमें प्रतिभाग कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो से यही आशा की जा सकती है कि आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।